Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School presents Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, welcome back bachcho. How are you all? Hope you all are fit and healthy at your homes and you might be enjoying these online classes and these days with your family, I know very well. Bacho, in this video, we will be completing the grammar exercises of our course book, that is our MCB book, Stepping Stones. इसके बच्चों हमने तीन चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, जिसके हमने क्वेश्चन आंसर्स कॉपी वर्क सारा कंप्लीट कर लिया है. बुक की भी कुछ एक्सरसाइज हमने कर ली हैं, बट ग्रामर एक्सरसाइज अभी हमें करनी बाकी हैं. तो इस वीडियो के थ्रू हम ग्रामर की एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमारी एमसीबी बुक में दे रखी हैं. ठीक है, तो जल्दी से सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 खोलिए. सबसे पहले आपको पेज नंबर 15 खोलना है अपनी स्टेपिंग स्टोन्स एमसीबी बुक का. और आज हम इसकी एक्सरसाइज ए करने वाले हैं. एज यू कैन सी हियर एक्सरसाइज ए, दिस एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू डू नाउ, राइट नाउ. ठीक है, सो बच्चों इस एक्सरसाइज में क्या है, इस एक्सरसाइज में हमें इसको पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह यूज़ करके सही से लिखना है. लेकिन किस चीज़ पे बेस्ड होने हैं पंक्चुएशन मार्क्स? ये बेस्ड होने हैं हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे. हमने चैप्टर 1 पढ़ा था ग्रामर में, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पैरेटिव. ये चार तरीके के सेंटेंस पढ़े थे, जिसमें डिक्लेरेटिव सिर्फ एक असर्टिव सेंटेंस होता है, जहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन या फिर कुछ चीज़ कही जाती है, इसके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सडन फीलिंग, एक बहुत चक्के वाली फीलिंग हो जाती है, सडन अचानक से जो फीलिंग आती है, और इसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. और अब आता है इम्पैरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं या कमांड देते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं या अपनी एडवाइस देते हैं, तब हम उसके लिए इम्पैरेटिव, तब हम उसको इम्पैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. और इसमें भी हम लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं. तो हमारी एक्सरसाइज में भी इसमें हमें यही देखना है कि इसको सही से लिखना है, और इसमें जहाँ भी पंक्चुएशन मार्क हमें लगाने हैं वो हमें यूज़ करने हैं. इट वॉज मीरा हु स्टोल द बुक, वो मीरा थी जिसने बुक चुराई. तो इट वॉज मीरा, सबसे पहले तो आई कैपिटल बनेगा, इट वॉज मीरा हु स्टोल द बुक, फुल स्टॉप. कॉमा आएगा मीरा के बाद, क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे एक पॉज लेके कि वो मीरा थी जिसने बुक चुराई. तो जब हमारा थोड़ा सा पॉज आता है ना सेंटेंस में, मतलब कहीं हमें रुकना होता है एक सेकेंड के लिए, ताकि सेंटेंस जो है दूसरा बड़ा सेंटेंस जो पहले वाले सेंटेंस पे डिपेंड हो जाए, इसीलिए हमें उसमें कॉमा लगाना पड़ता है. ठीक है, तो सबसे पहले इट के लिए आई कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि ये पहला लेटर है, पहला अल्फ़ाबेट है हमारे सेंटेंस का. उसके बाद बुक के बाद फुल स्टॉप लगेगा, यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हुआ है. और ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन है, सिर्फ एक बात कही जा रही है, स्टेटमेंट है, इसलिए इसमें हमने फुल स्टॉप लगाया है. नेक्स्ट, वेयर वर यू इन द फोर्थ पीरियड आशीष. अब टीचर गुस्सा करता है कि फोर्थ पीरियड में कहाँ थे तुम आशीष, तो टीचर ने क्या किया, क्वेश्चन पूछा. ठीक है, तो सबसे पहले वेयर का डब्लू कैपिटल, आशीष का ए कैपिटल, क्योंकि ये एक नेम है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट, व्हाट नॉनसेंस यू टॉक, क्या बकवास कर रहे हो. तो इसमें क्या हुआ, हमने एक सडन फीलिंग दी, अचानक से गुस्से वाली सडन फीलिंग आ गई, तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया. जहाँ सडन फीलिंग होती है वहाँ एक्सक्लेमेशन होता है, तो इसका डब्ल्यू कैपिटल बनेगा, व्हाट, और यू टॉक के बाद एक्सक्लेमेशन. नेक्स्ट इज, गो आउट क्विकली एंड डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स, जल्दी से बाहर जाओ और किसी को डिस्टर्ब मत करना. ये क्या हुआ, टीचर जैसे कहते हैं ना, कमांड देते ना, ऑर्डर देते ना, ये हो गया कमांड, और हो गया इम्पैरेटिव सेंटेंस, इसका जी कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप. सो दिस एक्सरसाइज इज कम्प्लीट एंड नाउ टर्न सम पेजेस एंड टेक आउट पेज नंबर 22. बच्चों चैप्टर नंबर 1 की हम सिर्फ वही ग्रामर एक्सरसाइज करने वाले हैं. अब हमारे पास ये चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज हैं, ग्रामर की एक्सरसाइजेज हैं. तो जल्दी से पेज नंबर 22 निकालिए और हम ये वाली एक्सरसाइज यहाँ पे करने वाले हैं. चलिए पढ़ते हैं क्या है इस एक्सरसाइज में. इस एक्सरसाइज में हमें मेटाफर का यूज़ करना है. जो चार मेटाफर यहाँ पे दे रखे हैं, इनको इन चार सेंटेंसेस में यूज़ करना है, जहाँ पे भी जो सही बैठेगा. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेटाफर होता क्या है. मेटाफर होता है बच्चों
जब हम किसी ह्यूमन बीइंग का, किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ से कंपैरिजन कर देते हैं, ठीक है, और कंपैरिजन भी इस तरीके से करते हैं कि हम उसको वही चीज़ बना देते हैं। जैसे कि कश्मीर जो है वो इंडिया का स्विट्ज़रलैंड है, यानी हमने कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड से कंपेयर ही नहीं किया बल्कि कश्मीर को ही स्विट्ज़रलैंड बना दिया। ये क्या हुआ? ये मेटाफर हुआ। आगे इस इन चार मेटाफर को पढ़ते हैं, इनको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। द एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आँखों का तारा होना। एप्पल मतलब सेब नहीं है यहाँ पर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग कुछ और निकलता है लेकिन उनके वर्ड्स अलग होते हैं। द एप्पल्स ऑफ वन आई मीन्स किसी की आंखों का तारा होना। तो इसका सबको पता है ना मीनिंग, सबने मुहावरा पढ़ा है आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, समबडी स्पेशली डियर यानी किसी का बहुत ज़्यादा दुलारा होना, किसी का बहुत ज़्यादा प्यारा होना। तो हमने किसी एक बंदे को, दूसरे बंदे का वो प्यारा है तो हमने उसको उसका आँखों का तारा बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, इसको हम कहेंगे ये मेटाफर है। थिक इन द हेड, मेटाफर बच्चों ज़्यादातर हमें पोएम्स में यूज़ करे हुए मिलेंगे, चैप्टर्स में होते हैं कहीं कहीं पर यूज़ लेकिन थोड़े से कम होते हैं, पोएम्स में बहुत यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए इसको पोएटिक डिवाइस भी बोलते हैं, पोएम में यूज़ होते हैं क्योंकि ये, ठीक है। नेक्स्ट इज थिक इन द हेड, इसका क्या मीनिंग है, स्टुपिड। अगर हम सामने वाले बंदे को आई यू स्टुपिड, यानी कि तुम बेवकूफ़ हो, क्या तुम बेवकूफ़ हो, हम उससे पूछते हैं। और इसी को अगर हम बढ़ा चढ़ा के अच्छी लैंग्वेज में फ्रेज़ का वर्ड यूज़ करके या मेटाफर का यूज़ करते हैं तो हम कहेंगे थिक इन द हेड, ही इज़ थिक इन द हेड, वो बेवकूफ़ है। तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, थिक इन द हेड, यानी कि हमने उसके लिए एक मेटाफर यूज़ कर दिया, वो कैसा है, स्टुपिड है, तो हमने उसको स्टुपिड ही बना दिया। वो थोड़ा सा इस तरीके का है कि उसको चीज़ें देर में समझ में आती हैं तो हमने उसको स्टुपिड बना दिया, तो उसके लिए हम यूज़ किया थिक इन द हेड। नेक्स्ट इज हैवी आइड, हैवी आइड मतलब आंखें भारी होना, यानी कि स्लीपी, आंखें भारी होती हैं, हम कहते हैं ना आंखें भारी हो रही है, तो आंखें भारी होती हैं कब होती हैं, जब हमें नींद आती है, तो आंखों को हमने भारी कर दिया जब हमें नींद आई, इसीलिए क्या हो गया, मेटाफर। अ क्वीट फिश एन ऑड पर्सन, यानी अजीब सा आदमी कोई होता है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव नहीं करता है, थोड़े अजीब ही बिहेव करता है, उसको हम कहते हैं अ क्वीट फिश। तो हम इसको मेटाफर की तरह यूज़ करते हैं, ही इज़ अ क्वीर फिश, यानी कि कुछ अजीब ही आदमी है, तो ये क्वीर फिश क्या हो गया, एक मेटाफर हो गया। तो मेटाफर क्या हुआ बच्चों, इन सब से हमें पता चलता है कि मेटाफर वो होता है जहाँ पर हम किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और दूसरी चीज़ को ही पूरी तरीके से वो पहली चीज़ बना देते हैं। जैसे हमने कश्मीर का एग्जाम्पल लिया, इंडिया का स्विट्ज़रलैंड है कश्मीर, यानी हमने स्विट्ज़रलैंड से उसको कंपेयर तो करा बल्कि साथ के साथ उसको स्विट्ज़रलैंड ही बना दिया, यानी वो स्विट्ज़रलैंड जैसा ही हो गया, कंपेरिजन किया यहाँ पर हमने, इसलिए वो क्या हो गया, मेटाफर हो गया, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज करते हैं, इसमें करना क्या है आपको, ये जो चार मेटाफर दे रखे हैं इन्हीं को इन सेंटेंसेस में पढ़ के कहीं ना कहीं फिल करना है कि किसके साथ कौन सा ज़्यादा फिट है। When I had to be explained the answer twice, my teacher commented that I was rather, जब मेरे को दोबारा क्वेश्चन सुनने पड़े, आंसर्स पूछने पड़े, समझ मेरे टीचर्स को दो बार मुझे समझाना पड़ा, तब मेरी टीचर ने कहा कि मैं क्या हूँ, obviously stupid हूँ, यानी I was thick in the head। तो यहाँ पे क्या आएगा, thick in the head, यानी हमें इसका मीनिंग लिखना है, हमें सिर्फ मेटाफर लिखना है। नेक्स्ट, माई बेबी सिस्टर इज, बेबी सिस्टर क्या होगी बताओ, सबकी प्यारी होगी, सो रही होगी, सोती हुई होगी या अजीब होगी, सबकी प्यारी होगी क्योंकि वो बच्ची है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, the apple of one's eye। नेक्स्ट, वी फेल्ट ही वॉज डैश एज ही डिड नॉट enjoy आउटिंग्स, बाहर जाकर वो कुछ भी enjoy नहीं कर रहा था, इसलिए हमको लगा वो थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा है, एक अजीब आदमी है, यानी कि a queer fish। नेक्स्ट इज बींग डैश आई डॉज्ड ऑफ द मिनट आई हैड पुट माई हेड ऑन द पिलो, यानी कि बींग कैसा फील करने पे मैंने जल्दी से अपना सिर पिलो पे रख लिया और मैं सो गया, कैसा फील करने पे, स्लीपी, हैवी आइड। ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो, विल कंटिन्यू फ्यू मोर एक्सरसाइज ऑफ द सेम चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।
सो प्लीज डू वॉच नेक्स्ट वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।